और हमारे साथ हमारे मेहमान वसीम हाशमी साहब जो कि एडवाइज़र HRD हायर एजुकेशन कमीशन है, और उनको साथ उनको सपोर्ट करेंगे जहाज़ेब खान साहब जो कि इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर भी हैं। मैं वसीम साहब से गुजारिश करूंगा, सबसे पहले तो सर थैंक यू कि आप इस प्रोग्राम में आए। वसीम साहब से गुजारिश ये करूंगा कि इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स को पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ताकि व्यूअर्स को आइडिया हो सके कि इस प्रोग्राम किस लिए तरतीब दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि बाकी ने बताया कि मैं हायर एजुकेशन कमीशन से ताल्लुक़ है मेरा, मैं वहाँ एडवाइज़र हूँ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स जितने हैं उनको मैं सुपरवाइज़ भी करता हूँ, और इस तरह बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो अदर देन स्कॉलरशिप्स हैं लेकिन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती हैं। उनमें से ये एक इंटरनेशनल रिसर्च सपोर्ट प्रोग्राम है, और ये हमारा रिकरिंग बजट से प्रोग्राम जो है फ़ंड होता है, और ये ऑनगोइंग एक्टिविटी है, और हर साल तकरीबन हम इसमें 700 मिलियन पाक रुपीज़ जो है वो रखते हैं फ़ंड में, और ये 600 से 700 स्टूडेंट्स जो हैं ये बाहर अपनी रिसर्च के लिए जाते हैं। तो मेन जो पर्पज़ है इसका है कि जो हमारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान में इंडिजनस स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे या PhD में इनरोल्ड हैं उनके लिए एक मौका फ्राहम किया गया है कि वो बाहर की जो रिप्यूटेबल टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जाके अपनी रिसर्च करें, और तकरीबन हम इसमें 6 मंथ के लिए उन्हें अलाउ करते हैं, और ये फुली फंडेड है। और इसमें उनके लिए जो रिक्वायरमेंट वो ये है कि वो वहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर लेके आते हैं, जो बाहर का कोई सुपरवाइज़र हो जो उन्हीं के एरिया में काम कर रहा होता है, ताकि जब वो बाहर जाएं 6 मंथ, एक तो उन्हें इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा और वो वहाँ उनके साथ अपनी रिसर्च जो है वो कंटिन्यू करते हैं, और उससे फर्दर बेनिफिट ये हो सकते हैं कि वो इंटरनेशनल कोलेब्रेशन भी हो सकती है वो अपने अदारे के साथ जहाँ वो PhD कर रहे हैं, और जहाँ से वो ये 6 मंथ के रिसर्च करके आते हैं उनके दरमियान कोलेब्रेशन भी हो सकती है, जो कि एक फ्यूचर स्ट्रेटजी है। तो ये तमाम पाकिस्तानी जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर या पाकिस्तानी नेशनल हैं उनके लिए प्रोग्राम है, और इसमें फर्दर जो डिटेल्स हैं, मेरे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं जहाँज़ेब साहब जो इस प्रोग्राम को लास्ट 7 ईयर्स से चला रहे हैं, और वो आपको फर्दर बताएंगे कि इसमें क्राइटेरिया क्या है और कौन लोग हैं जो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा सर, मैं व्यूअर्स आप लोग अपने क्वेश्चंस हम लोगों को पोस्ट कर सकते हैं @edutv_HEC पे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस लास्ट सेशन में हमारे आए थे, तो मैं उनसे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने क्वेश्चंस भेज सकें ताकि हम इस वक्त आपके क्वेरीज़ को एड्रेस कर सकें। सर, आप सबसे पहले ये बताएं कि इस प्रोग्राम में अप्लाई कौन कर सकता है, कि कोई स्पेसिफिक इसके लिए किसी क्लास का स्टूडेंट होना चाहिए या क्या? अस्सलाम वालेकुम, मैं सारे सुनने वालों को देखने वालों को सलाम पेश करता हूँ। ये प्रोग्राम जो है, मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बयान कर दूँ। ये 2003 में जब HEC शुरू में बना था, जिस फर्स्ट प्रोग्राम जो HEC ने इसको इनिशिएट किया था, पहले 2 साल में 3 साल में हमारे पास हार्डली वी कुड सेंड ओनली 3 स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में PhD नहीं हो रही थी। लेकिन मीनवाइल ग्रेजुअली ये प्रोग्राम में फिर इंक्रीज़ करते गए स्टूडेंट भी, जैसे वसीम साहब ने अभी बताया कि अभी रिसेंटली हम तकरीबन 600 स्टूडेंट हर साल भिजवाते हैं। इस प्रोग्राम के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 3-4 चीज़ें आती है, जो बेसिकली हम कोशिश हमारी यही होती है कि जितना लोग PhD कर रहे होते हैं उनको बाहर भेजें, लेकिन बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो PhD का स्टूडेंट होना चाहिए, 2 साल तक वो PhD में इनरोल हो, 3.5 साल से उसको ज़्यादा ना हो गए हो, टॉप 200 यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट वाइज, और उसके रैंकिंग हम QS की रैंकिंग उसको लेते हैं, टॉप 200 यूनिवर्सिटी वाइज उसकी रैंकिंग होनी चाहिए, बाहर से एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए, लोकल सुपरवाइज़र उसको रिकमेंड कर ले, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती है। हम उसको क्या करते हैं, एक रिव्यू करते हैं इस एप्लीकेशंस का, रिव्यू के बाद एक कमेटी बनी हुई है, इसकी कमेटी में तकरीबन कोई 16-18 हमारे टॉप के जो एजुकेशनिस्ट है, वाइस चांसलर है, डीन है, वो उस कमेटी में बैठते हैं, उस कमेटी में इसका डिसीजन फिर करते हैं, फिर इसके बाद हम स्टूडेंट को अवार्ड लेटर देते हैं, अवार्ड लेटर के बाद स्टूडेंट बाहर पर चला जाता है वीज़ा इंडोर्समेंट पे। तो ये बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस भी है, और इससे जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उन सब का अगर उनकी रिसर्च अच्छी है, उनकी एक्सेप्टेंस लेटर उसके मुताबिक है, तकरीबन सब चले भी जाते हैं। सर, मुझे एक क्वेश्चन भी इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ कि
इसमें कुछ जिनको हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, रिव्यूअर्स हैं, वो समटाइम्स जो है उसको रिकमेंड नहीं करते हैं, और फिर इसमें एक अपील का भी प्रोसेस है कि स्टूडेंट्स अपील कर सकते हैं, और उसमें समटाइम होता है कि डेफर्ड कर दिए जाते हैं केसेस के, अगर उसमें डेफिशिएंसी है कि जो बाहर का सुपरवाइज़र है और वो जिस यूनिवर्सिटी में है और काम कर रहा है, शायद उसका काम आपके काम से जो है वो रिलेटेड नहीं है और उसकी रिसर्च डिफरेंट है, आपका एरिया और है, तो स्टूडेंट सम हाउ ये एक्सेप्टेंस लेटर ऑब्टेन कर लेते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से भी ले लेते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ लोकल एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं वो इसको रिव्यू करते हैं, और हम उन एक्सपर्ट्स को ना, ये नहीं हो सकता कि HEC उनको चैलेंज करना शुरू कर दें कि, क्योंकि वो अपने एरिया में एक्सपर्ट्स हैं तो हम उनकी रिकमेंडेशन पे चलते हैं, लेकिन अपील का इसमें एक ऑप्शन है कि जो स्टूडेंट समझते हैं, और या दोबारा से अगर उनके पास टाइम है, जैसे कि जहाँजेब ने कहा कि मैक्सिमम 3.5 साल अगर हो गए उनको एनरोल और वो बियॉन्ड दैट जा रहे हैं, तो फिर जो है ना वो अगर दोबारा भी एक्सेप्टेंस लेटर किसी यूनिवर्सिटी से ले आते हैं या किसी सुपरवाइज़र से, तो हम उनको कंसिडर नहीं करते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए कि जब वो अपने 2 साल कंप्लीट कर ले, 18 credit hours अपने कोर्स वर्क कंप्लीट कर ले, तो वो उस वक़्त से फोकस कर दे कि जी मैंने किस इंस्टीट्यूशन में जाना है, कहाँ ऐसी रिसर्च हो रही है, चाहे वो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ जैसे हमने मेंशन किया, तो इट्स ए लेंथी प्रोसेस, तो उनको उसी वक्त शुरू कर देना चाहिए ये कि मैं एक्सेप्टेंस लेटर उस यूनिवर्सिटी से लाऊँ जो कि हमारे जब रिव्यूअर्स जब इसको रिव्यू करेंगे तो वो उसको डेफर्ड ना करें या नॉट रिकमेंड ना करें। अच्छा सर, क्या ये एडवर्टीजमेंट आप लोग करते हैं या ये थ्रू आउट द ईयर इसके लिए ओपन एप्लीकेशन होती हैं, ऑनलाइन सिस्टम है, थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन करें ताकि जो हमारे ऑडियंस हैं उनको ये क्लियर हो जाए कि क्या हमें एडवर्टीजमेंट का वेट करना है या किसी टाइम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोग्राम बेसिकली सारा साल हमारा HEC की वेबसाइट पर एडवर्टाइज होता है, 3-4 मीटिंग्स हम करते हैं हर साल, इसकी कमेटीज की मीटिंग करती है, एप्लीकेशन रोलिंग बेसिस पे हमारे पास आ रही होती है, एप्लीकेशन को हम रिव्यू करवाते हैं, तो इसमें कोई ऐसे डेडलाइन नहीं है। स्टूडेंट को हम इनक्रेज करते हैं जैसे ही वो एलिजिबल होते हैं हमारे पास अप्लाई करें ताकि जल्द से जल्द उनका जो बाकी प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो जाए। स्टूडेंट को ऐसे कोई हम एडवर्टीजमेंट के बारे में नहीं देते, HEC की वेबसाइट पर सारा साल ये लाइव होती है और यहाँ पे स्टूडेंट उसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यानी उसको अपने वो PhD का जो टाइम फ्रेम आपने बताया है कि 3.5 साल से ज़्यादा ना हो और 2 ईयर्स हो और वो अप्लाई किसी टाइम पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्या आप लोगों के पास डिसिप्लिन वाइज कुछ सेग्रीगेशन है या ओपन ऑफर है, मीन्स जो डिसिप्लिन 8 चल रहे हैं HEC के जो एज पर रूल के मुताबिक, क्या उन्हीं में है या कोई स्पेसिफाइड डिसिप्लिन में आप स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं? बेसिकली हमारे जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं उसमें हर फील्ड के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, हम जो पाकिस्तान में PhD कर रहे हैं उन स्टूडेंट को भिजवाना चाहते हैं, तो हमने ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई, किसी भी फील्ड से स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकता है, कोई इसमें कोटा नहीं है, कोई इसमें हमने ऐसी चीज़ नहीं रखी हुई, क्योंकि कोटे के थ्रू लोग सेलेक्ट होके आए हैं, ऑलरेडी इंडिजिनस में स्कॉलरशिप्स में आ चुके हैं, तो उन्हीं स्टूडेंट को हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम बाहर भेजें, उनको किसी को अभी इस साल मौका मिल जाएगा, किसी को अगले साल मौका मिल जाएगा, तो इसमें कोई ऐसा कोटा नहीं है, कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है किसी भी वक्त। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि हम प्रेफरेंस नहीं देते इस तरह के, जी ये HEC स्कॉलर है तो जी उसका कोई कोटा रखा हुआ है कि जी फर्स्ट प्रेफरेंस उसको मिलेगी, जो सेल्फ अनाइंस पे है, खुद एनरोल हुआ हुआ है कहीं पे भी, उनके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो इस IRCEP को अवेल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, क्या कोई बॉन्ड भी साइन करवाते हैं स्टूडेंट से कि क्या उसने बस ये स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए कोई एग्रीमेंट होता है या ओपन कोई भी किसी टाइम पे अप्लाई करके उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है उसके लिए? इसमें 3 साल का बाउंड होता है HEC का इसका। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हमारे होते हैं वो तो इंडिजिनस स्कॉलर्स ही होते हैं। अच्छा, तो इंडिजिनस स्कॉलर के अलावा भी जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे जो पाकिस्तान में PhD कर रहे होते हैं, बॉन्ड हम सबसे साइन करवा रहे होते हैं, इंडिजिनस का उनके साथ कंकरेंट चलता है। ठीक है। जो नॉन HEC स्कॉलर्स है जो इंडिजिनस स्कॉलरशिप उनके पास नहीं है, उनके साथ हम 3 साल का बॉन्ड साइन कराते हैं ताकि 3 साल तक उन्होंने पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ PhD। अच्छा सर, अब आसमी साहब आपसे ये क्वेश्चन है कि अब आप लोग डेफिनेटली स्टूडेंट्स पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि एक स्टूडेंट डेफिनेटली वो एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान भी होता है,
एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एच ई सी की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उन स्टूडेंट से कि आपको हम स्पेसिफिकली बाहर भेज रहे हैं वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ में? एक्चुअली इस साल फर्स्ट टाइम हमने ना एक ओरिएंटेशन सेशन रखा, और हमने जितने भी ये मेरे ख्याल 102 के करीब स्टूडेंट्स इस साल जो सिलेक्ट हुए, मतलब बैच वाइज होते हैं, और उनको हमने एच ई सी बुलाया और एक सेरेमनी की जिसमें हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं वो एज ए चीफ गेस्ट थे, और उस सेरेमनी में जो है ना उनको एक मैसेज कन्वे किया गया कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, आप एक चंद एक स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान से जो कि आप बाहर जाएंगे और मुख्तलिफ बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में और मुख्तलिफ मुल्कों में जा रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स को ये मैसेज भी कन्वे किया गया कि आपकी समटाइम एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है और एक गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू होता है और एक कंट्री का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो आपने जब वहाँ जाना है तो आप एज ए पाकिस्तानी एम्बेसडर बन के वहाँ जा रहे हैं, तो सर्टन पाकिस्तान के ऐसे इश्यूज़ हैं जो बड़े सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, तो उन पे आप जो है ना किसी किस्म की ऐसी मैसेज ना कन्वे करें कि जो हमारे बाद में जो स्टूडेंट जाने वाले हैं उनके रास्ते बंद हो जाएं, कि ये किस किस्म की एक सोच ले के पाकिस्तान से जा रहे हैं और वहाँ इस किस्म की सोच को ना ये स्प्रेड आउट करते हैं। तो बेसिकली ये सारे हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, सिलेक्ट हुए हुए हैं, पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं और पीएचडी कर रहे हैं, तो उनकी जो मैसेज वहाँ जब कन्वे होता है तो वो एक वैल्यू रखता है, एक वेटेज रखता है। तो इसके ऊपर फर्दर अब हमने फैसला किया है कि हमारी जैसे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है जो कि काफ़ी उनके कोर्सेज जो स्ट्रेटजिक कोर्सेज हैं वो और पाकिस्तान के ऊपर वो कोर्सेज करते हैं, तो हमने प्लान किया है कि अब जो नेक्स्ट बैच जाएगा ना उनका हम एक सेशन जो है एनडीयू में रखेंगे, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, और उनको वो जो पाकिस्तान के इस वक्त लेटेस्ट इशू चल रहे हैं, इंटरनेशनल इशूज़ चल रहे हैं जो भी हैं, वो उनको उस पर ब्रीफिंग देंगे ताकि उनको क्लियर कट आइडिया हो कि पाकिस्तान का क्या स्टैंड है डिफरेंट जो इशूज़ हैं, चाहे आप कश्मीर का इशू ले लें, चाहे आप ये टेररिज्म का इशू ले लें, एक्सट्रीमिज्म का इशू ले लें, इस्लामिक टीचिंग्स का इशू ले लें। तो इस दफ़ा हमने ये प्लान किया कि जो नेक्स्ट बैच जब जाएगा वो ज़रूर एनडीयू में एक सेशन अटेंड करेगा, और ताकि उनको आइडिया हो कि पाकिस्तान का स्टैंड इन इशूज़ पर क्या है। दूसरा ये है कि ये एक उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको पाकिस्तान से बाहर 3 से 4 साल स्टडीज़ के लिए नहीं जा सकते हैं, जिसमें बेसिकली बहुत सारी फीमेल्स हैं हमारी, उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस इस तरह हैं कि उनके वो शादीशुदा हैं और वो इतना लंबा अरसा 3-4 साल नहीं जा सकती हैं, अपने हस्बैंड को साथ नहीं ले जा सकती हैं, या कुछ ऐसे हैं जो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं और उन्हें पाकिस्तान में रहना है, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो वो पाकिस्तान में पीएचडी कर रहे हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एक इंसेंटिव है कि वो 6 से 7 महीने बाहर रहें और बाहर रह के बाहर का एक्सपोजर लें, बाहर की जो टेक्नोलॉजी है या उसके जो प्रोसीजर्स हैं वो समझें, वहाँ जाके अपने एक्सपेरिमेंट्स करें और फिर बाहर के जो अच्छे फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपोजर उनको दिया जाता है ताकि जो उनकी जो इंडिजिनस पीएचडी है उसमें एक इंटरनेशनल टच भी आ जाए, क्योंकि डेफिनेटली अभी बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसमें पाकिस्तान बिहाइंड है और उन एरियाज़ में हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं कि हम वो एकदम से प्रोवाइड कर सकें और अपनी लैब्स को अपग्रेड कर सकें, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी पाकिस्तान दुनिया की वो यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप जो कि हर एरियाज़ में एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी का रोल प्ले करते हैं, और एक वो हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी उससे फ़ायदा उठाएं, और जब वो वापस आएं तो वापस आके जो अच्छे लर्निंग उनकी हुई है, नॉलेज उन्हें मिली है, और वो इसको यहाँ आके इम्प्लीमेंट करें या अडॉप्ट करें, और ताकि अपनी लैब्स को भी बेहतर कर सकें और उनका जो विज़न है वो और क्लियर हो जाए, उनका जो है ना माइंड और डिफरेंट जो रिसर्च है उस पर सोचे। ठीक है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन शारिक साहब ने किया है। शारिक साहब कह रहे हैं कि इसका प्रोसीजरल टाइम क्या है कि जब मैं अप्लाई करता हूं तो मुझे कितने अरसे तक एच ई सी रिस्पॉन्स देगा इस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में? सर ये जैसे मैंने पहले बताया कि क्योंकि ये प्रोग्राम सारा साल ये हमारा वेबसाइट पर अवेलेबल होता है, इसकी मीटिंग्स होती है तकरीबन साल में 4-5 मीटिंग्स होती है, डिपेंडेंट नंबर ऑफ एप्लीकेशन हमारे पास कितनी आती है,
एप्लीकेशन अगर 5 मीटिंग्स होती है तो लेट्स पुट इट के तो 3 महीने बाद हमारी मीटिंग्स होती है उस पर। 3 महीने के बाद 1 महीना हमारा टाइम होता है इन स्टूडेंट्स को, हम दे देते हैं कि लीगल पेपर वो फॉर्मेलिटीज पूरी करें। लीगल पेपर के बाद हम इनको अवार्ड लेटर देते हैं, अवार्ड लेटर के बेस पे इन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट प्रोसीजर्स है, फॉर एग्जाम्पल यूके का वीज़ा विद इन 28 डेज आपको डिसीजन मिल जाता है, यूएस का वीज़ा में तकरीबन 3 महीने लगते हैं। मीन वाइल अगर आप कनाडा जाते हैं या आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वहाँ पे आपको 6-8 महीने लग ही जाते हैं। तो पूरे प्रोसेस के लिए आपको 6 से 9 महीने का टाइम आपको दरकार होता है। जिस तरह आप एप्लीकेशन एजीसी में फाइल करते हैं, आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, उसके बाद आप एप्लीकेशन को डिसीजन और आपको जाने का जो भी स्टूडेंट यहाँ से जाते हैं इनको हम 6 महीने का स्टाइपेंड यहाँ से एडवांस देते हैं ताकि वहाँ पर जाके इनको कोई तकलीफ ना हो, वहाँ पर जाके इनके पास कोई एक दिन के भी पैसों का मसला ना हो। इनकी बेंच फी होती है, बेंच फी हम यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट पे करते हैं, उसमें $3,500 अगर यूएस की मैं बात कर रहा हूँ, यूके के लिए कोई 1750 पाउंड है और डिफरेंट यूरो में अगर तो है तो 2500 यूरोज है। डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए हमारी जो वो रिक्वायरमेंट वो डिफरेंट है, लेकिन ये जैसे आपका सवाल था उस पर तकरीबन 6 महीने लग जाते हैं पूरे प्रोसेस में स्टूडेंट का अप्लाई करने के और जहाज़ में बैठने तक ताकि वहाँ स्टूडेंट चला। मेरी इसमें एक एडवाइस होगी कि जो ये स्टेप्स जैसे जहांजेब साहब ने बताए हैं और जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अच्छी यूनिवर्सिटी जहाँ पे उनकी रिसर्च जो है जो पाकिस्तान में वो कर रहे हैं रेलिवेंस होनी चाहिए। तो इसमें यह है कि उनकी कोशिश होनी चाहिए कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में जब रिव्यूअर उसको रिव्यू करे तो उनको जो है रिकमेंड कर दे। अगर एक दफ़ा वो आपका कोई भी वीक एरिया है कि यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छी है लेकिन जो रिसर्च है वो रेलिवेंट नहीं हो रही, आपका रिसर्चर जो जहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर आप जिस लैब से लाए हैं जो आपका वहाँ का सुपरवाइज़र है और वो उसका एरिया कोई और है, आपका एरिया कोई और है, शायद 20% या 30% मैच करता है, तो चांसेस हैं कि आपका केस जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो मैं ये सबको एडवाइस करूँगा कि दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जो जब भी सर्च करें और यूनिवर्सिटी या उसकी लैब को, उसके डिपार्टमेंट को और वहाँ जो प्रोफेसर है उसका जो पूरे क्रेडेंशियल्स हैं या उसका जो बायो है अच्छी तरह देख लें कि वो रिसर्च किस में कर रहा है, क्या उसमें कितनी रेलिवेंसी है। तो अगर तो 70% प्लस है तो चांसेस हैं कि आपका केस जो है वो फौरन एक्सेप्ट हो जाएगा। बाकी जस्ट फॉर्मेलिटीज़ हैं, लाइक यूनिवर्सिटी टॉप 200 में आती है, लैब अच्छी इस्टेब्लिश हैं, प्रोफेसर जो हमारे रिव्यू करते हैं उनको बहुत अच्छा आइडिया है कि किस यूनिवर्सिटी में कौन सी लैब है, उसका क्या स्टैंडर्ड है। तो ये एक मैं एडवाइस करूँगा स्टूडेंट्स को कि एक्सेप्टेंस लेटर सिर्फ ले लेना किसी अदारे से और बहुत ही वो टॉप 200 यूनिवर्सिटी से या कोई बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट से तो ये इनफ नहीं है कि आपको वो मिल गया लेटर, लेकिन असल चीज़ है कि जो आगे रिव्यूअर्स उसको रिव्यू करेंगे उसके आपकी रिसर्च के साथ मैच करना चाहिए उसको। सर आपकी इस बात को मैं सेकंड करते हुए, हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशन आती है उसमें अगर कोई फॉर एग्जांपल डेफर होते हैं 20% एप्लीकेशन डेफर होती है उसमें 90% यही केस होता है कि उनके जो फॉरन सुपरवाइज़र है उनका एरिया रेलिवेंस नहीं है इनके रिसर्च के जो पाकिस्तान में कर रहे हैं, इसीलिए फिर उन स्टूडेंट को हम बुलाते हैं एचईसी, उनके एप्लीकेशन अपनी दिखा देते हैं कि ये आपकी एप्लीकेशन है आप इस एरिया को इम्प्रूव कर लीजिएगा। कुछ स्टूडेंट तो डिफरेंट सुपरवाइज़र ढूंढ लेते हैं, कुछ स्टूडेंट और एक्सप्लेन कर पाते हैं कि मैंने कौन सा काम वहाँ पे करना है। लेकिन सर की जो बात है वजीन साहब की उसे बिल्कुल मैं सेकंड करता हूँ कि उसको जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारी उनको यही आपको एडवाइस होगी कि अपना एरिया फॉरन सुपरवाइज़र के एरिया के मुताबिक ही ले लें, वो सुपरवाइज़र कोई ऐसा चूज़ करें ताकि उनको टाइम अगर 6 महीने का लग जाता है सिलेक्शन में, एक मीटिंग में अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो आपके 6 महीने उसमें ज़ाया हो जाते हैं, तो वो टाइम आपका बच जाएगा तो आपको जाने में कोई आसानी हो जाएगी। जानसेब साहब आपने बेंच फी की तो बात की है, अगर काइंडली हमें ये भी बता दें कि स्टाइपेंड स्टूडेंट का कितना होता है ताकि उनको उसके मुताबिक अपनी एडजस्टमेंट की जा सके और इसमें इस पूरी जो आप फंडिंग करते हैं इसकी ब्रैकेट क्या क्या है, काइंडली ये भी थोड़ा सा बता दें। इसमें जो हम 3 इस पर फंडिंग होती है, एक एयर फेयर होता है और जो 1.5 लाख रुपए तक हम उसमें देते हैं, इसके अलावा बेंच फी होती है। बेंच फी क्योंकि डिफरेंट ममालिक में स्टूडेंट जाते हैं
कुछ यूके जाते हैं, कुछ यूएस जाते हैं, कुछ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, डिफरेंट ममालिक के लिए। तो हमने इन सब के लिए कुछ डिफरेंट रेट रखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूएस की बात करता हूँ तो यूएस में हम देते हैं 3500 US डॉलर्स। अगर ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करता हूँ तो 4100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हम देते हैं। कनाडा के लिए 3700 US कनेडियन डॉलर देते हैं। डिफरेंट ममालिक के लिए डिफरेंट है, वो हमारी एचसी की वेबसाइट पे उसकी सारी डिटेल मौजूद है। इसी तरीके से स्टाइपेंड भी डिफरेंट ममालिक का डिफरेंट है। जैसे यूएस के लिए हम 1500 US डॉलर देते हैं, बाकी दुनिया के लिए फॉर एग्जांपल अगर यूरोप की हम बात करते हैं, फ्रांस की अगर हम बात करते हैं तो 975 यूरो देते हैं। जो हमारे जितने भी ओवरसीज स्कॉलरशिप्स है उसके मुताबिक ही हम दे रहे हैं। यूके के लिए 750 पाउंड हम देते हैं। और इसी तरीके से अगर आप जापान जाते हैं तो उसके लिए 1200 US डॉलर हम देते हैं। अच्छा सर, ये जो अभी सिलेक्शन होती है, स्टूडेंट सेलेक्ट करता है, उसमें लोकल सुपरवाइज़र का क्या रोल है? फिर उसकी जो लोकल एरिया की रिसर्च है, मसलन अगर कोई स्टूडेंट को क्या सिनॉप्सिस सबमिट करवाना होता है आपके पास, ये क्या चीज़ ऐसा डॉक्यूमेंट जो उस एरिया से मैच में एचईसी पॉइंट नोट करता है कि ये चीज़ें उस डॉक्यूमेंट में हमारे साथ हों जो हम रिव्यू पैनल को भेजेंगे ताकि वो उसका एरिया मैच कर सके, या ये कैसे देखेंगे आप? ये एक प्री रिक्विजिट होता है हमारा कि आपके साइनाप्सिस बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडी जो यूनिवर्सिटी की है उसने अप्रूव किया हो। तो वो हम जो एप्लीकेशन फॉर्म भिजवाते हैं वह स्टूडेंट, उसमें आपका वो साइनाप्सिस हमें भिजवा देते हैं। फॉरन सुपरवाइज़र की हम एक्सेप्टेंस लेटर भी मांग रहे होते हैं और उसके साथ उसकी CV भी चाहिए होती है। एक्सेप्टेंस लेटर में सुपरवाइज़र हमारा रिव्यूअर क्या करता है, सबसे पहले स्टूडेंट की साइनाप्सिस को देखता है। साइनाप्सिस को देख लेने के बाद उस पर क्या करता है कि उसके एरिया को वो जान लेता है। हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 39 तो क्वेश्चन नंबर 40 में ये सवाल कर लेते हैं कि अच्छा, इस साइनाप्सिस में आपके ये काम आपने करने थे, क्या क्या काम आप कर चुके हैं। 39 नंबर सवाल में उसमें सवाल एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप देखेंगे, 40 नंबर में ये फिर आप मैंशन करते हैं कि मैंने बाहर क्या काम करना है। तो वो हम कैटेगोरिकली, क्योंकि आप एक रिसर्चर से बात कर रहे हैं, आप एक लेमैन से बात नहीं कर रहे हैं, तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट यही होगी कि उस हवाले से वो बिल्कुल ही टेक्निकल चीज़ें हमें बताए, हमें लेमैन की ज़बान में ना बताए, टेक्निकल लैंग्वेज में प्रोफेसर को बताए कि वहाँ उन्होंने बाहर क्या काम करना है। तो फिर उसके बाद उसके रेलेवेंस को देखा जाता है कि फॉरन सुपरवाइज़र का रेलेवेंस, जो स्टूडेंट ने प्लान किया हुआ काम, क्या उसका रेलेवेंस है भी क्या नहीं है। तो उसकी CV के ऊपर देखा जाता है, फॉरन सुपरवाइज़र के रिसेंट 10 पब्लिकेशन देखी जाती है। अगर ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में आ रही होती है तो सिलेक्शन हो जाती है। कहीं पे भी ये चेन ब्रेक हो जाता है तो उसमें ये होता है कि स्टूडेंट को हम दोबारा एडवाइस करते हैं कि आप ये चीज़ इम्प्रूव करके आ जाए, स्टूडेंट को उनकी एप्लीकेशन दिखा देते हैं, फिर उनका अगली मीटिंग में फिर उनको आना पड़ता है। अच्छा सर, वीज़ा प्रोसेसिंग में क्या HEC कोई हेल्प करता है या स्टूडेंट को खुद कोशिश करनी होती है यूनिवर्सिटी वीज़ा के लिए, एम्बेसी से, कैसे HEC? सर, वी आर वेरी लकी उस हवाले से बाहर गवर्नमेंट्स, क्योंकि HEC के जनरली वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशो ऑलमोस्ट 99% है। क्योंकि हमारा एक रिगोरस प्रोसेस है, डिफरेंट एम्बेसी से मैं मिला हूँ इस हवाले से, HEC की स्टाफ मैनेजमेंट ने उनको लेटर भी लिखे, तो उस हवाले से हमारा जो एक्सेप्टेंस लेटर है, एक्सेप्टेंस रेट है, वो 99% है। लेकिन हम सिर्फ अवार्ड लेटर के अलावा स्टूडेंट की कोई प्रोसेस में हेल्प नहीं करते, लेकिन वो हमारा अवार्ड लेटर इतना तकड़ा होता है कि उस पर बाहर, क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटी को एम्बेसी को चाहिए होती है कि आप फंडिंग सोर्स क्या है। तो फंडिंग सोर्स HEC एक एक्सेप्टेबल इदारा है, पूरी दुनिया उसको मानती है, उसकी क्रेडिबिलिटी है। तो उससे होता क्या है कि हम जो अवार्ड लेटर हमारा होता है उसके बेस पे उनका वीज़ा लग जाता है। 99% केसेस ज़रूर हो रहे हैं, कोई स्टूडेंट गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है या उसी तरीके से अपने एप्लीकेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो उसी वजह से 1%। लेकिन उसका भी दूसरी तीसरी में वीज़ा हमारा कोई ऐसा इशू नहीं है, वीज़ा ऑलमोस्ट सबके लग जाता है। मैं इसमें ऐड करता हूँ एक चीज़ के, जो यूनिवर्सिटीज़ ये एम्बेसीज होती हैं उनको वरी ये होती है कि ये जैसे जहाँजेब ने कहा, एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से होगी स्टूडेंट को। तो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो HEC प्रोवाइड करता है और उसमें एडवांस में भी हम पे करते हैं, और वो उनको पता होता है कि जी HEC कभी फाइनेंशियल सपोर्ट से बैकआउट नहीं करता, तो वो एक कवर हो जाता है जो पोर्शन है। सेकंड जो है ना, उनको होता है कि ये जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं इनकी जो डिग्रीज़ हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ये HEC ऑलरेडी जब इनरोल कर रहा होता है
तो उनकी डिग्रीज़ को वेरीफाई कराया हुआ होता है, उनके डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी है उस सब को वेरीफाई कराया होता है। तो उनकी ये जो सेकंड वरी है ये भी जो है ना कवर हो जाती है कि जो स्टूडेंट जा रहा है वो बेसिकली यहाँ इनरोल है पाकिस्तान में, PhD कर रहे हैं, और ये कोई इस बेस पे नहीं जा रहा है कि वहाँ जाके ये स्लिप आउट हो जाएगा और वहाँ जाके ये जिस यूनिवर्सिटी में इसने जाके काम करना है, बल्कि ये जाके अपना कोई और काम शुरू कर देगा। और तीसरी चीज़ जो है कि उनको ये भी मालूम है कि HEC ने इनके साथ बाउंड किया होता है, एग्रीमेंट किया होता है कि इन्होंने पाकिस्तान वापस आना है और ये यहाँ सर्व करेंगे। अगर वो नहीं करते तो हम जो है ना फिर लीगल एक्शन लेते हैं, और ये सारी चीज़ें एम्बेसीज़ को पता है कि HEC ने एक बाकायदा प्रॉपर एक सिस्टम और प्रोसीजर बनाए हुए हैं, और कोई भी स्टूडेंट जो है ना इनका HEC का जो स्कॉलर है वो ओवरस्टे नहीं कर सकता, और उसका वीज़ा भी इस किस्म का लगता है कि वो उसी टाइम पीरियड के लिए वो वीज़ा देते हैं और स्टूडेंट्स जो है ना वापस आके, क्योंकि उन्होंने यहाँ PhD कर रहे हैं और उनकी PhD जो है वो फिर स्टेक पे होती है कि वो यहाँ PhD कंप्लीट नहीं करते, जो कि हाईएस्ट डिग्री है। तो हमारे बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं जैसे जहाज़ेब ने कहा एम्बेसीज़ के साथ, कि एक लेटर हम प्रोवाइड करते हैं और वो बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव सिंगल लेटर, सिंगल पेज लेटर है जिसमें सारा फाइनेंशियल भी लिखा हुआ है और स्टूडेंट्स की सारी कंप्लीट डिटेल भी हैं। और बाकी आपको पता है कि जब वीज़ा अप्लाई करते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, और जैसे जहाँज़ेब ने कहा कि अगर आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर नहीं देते हैं या उनको लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है डुबियस किस्म की है, तो डेफिनेटली वो आपका वीज़ा जो है वो डिनाई कर सकते हैं। अच्छा सर, व्यूअर्स ने मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस किए हैं। मेरे ख्याल से आशमी साहब को देख के उन्होंने पूरे HRD से रेलेवेंट क्वेश्चंस किए हैं। और सर एक क्वेश्चन ज़रा स्पेसिफिक है, लेकिन आई गेस आप हमें उस पर जहाँज़ेब साहब अपना कोई ऐसा एड्रेस दे दें ताकि स्टूडेंट कह रहे हैं कि आई हैव अप्लाइड फॉर न्यूजीलैंड वीज़ा एंड IRSIP स्कॉलर बिफोर 3 months बट स्टिल नॉट रिसीव्ड एनी रिस्पॉन्स। मेरे ख्याल से कोई आप अपना ईमेल एड्रेस दे दें ताकि मेरा हम ईमेल इनके अवार्ड लेटर, जिन स्टूडेंट को हमने अवार्ड लेटर दिए हुए उनके अवार्ड लेटर के टॉप पे मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, तो वहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं। वैसे भी अगर ईमेल कोई नोट करना चाहता है, मैं अपनी टीम से भी कहूँगा कि अगर HEC के ये स्क्रीन पे ही डाल दें jhan@hec.gov.pk, विजिट jhan। एक्चुअली न्यूजीलैंड का इशू ये है कि उनकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है न्यूजीलैंड की, जिसकी वजह से जो है ना ये सारा केस जो है वो आउट ऑफ पाकिस्तान जाता है। उनके मेरे ख्याल में कुछ एक सिंगापुर में भी शायद उनका ऑफिस है, वो डील करता है, या फिर दुबई में भी है। तो जब केस बाहर जाता है तो डेफिनेटली आप प्रोसेसिंग है वो लेट हो जाती है। अगर पाकिस्तान में एम्बेसी के अंदर आप यहीं जाते हैं, खुद अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो उनके लिए इजी है कि यहाँ वो आपको बुला भी सकते हैं, फेस टू फेस बात भी कर सकते हैं। लेकिन ये केसेस कुछ जाते हैं, और इस किस्म के जो न्यूजीलैंड के केसेस हैं इसमें डिलेज हैं। देर आर सर्टन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें भी थोड़ा सा डिले है, जैसे ऑस्ट्रिया की है उसमें डिले है, लेकिन जैसे USA और UK जैसे मैं बताया कि 2 to 3 months में प्रोसेस हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और आपका न्यूजीलैंड से ज़रूर वीज़ा आ जाएगा अच्छा इंशाल्लाह। जहाँज़ेब साहब का मैं ईमेल एड्रेस रिपीट करना देता हूँ, jkhan@hec.gov.pk। ये काइंडली इसको दोबारा मैं अगर रिपीट करता हूँ, jkhan@hec.gov.pk। तो आप लोग अपने क्वेरीज जहाँज़ेब साहब से कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन, अब एक हसन अस्करी साहब हैं, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हसन अस्करी साहब आपने बताया ही नहीं है कि किसके बारे में पूछ रहे हैं। आप पूछ रहे हैं, आई बिलोंग टू गिलगित, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड डेट फॉर द फाइनल सिलेक्शन, शुड आई स्टे हेयर आर लीव। आई गेस सर ये कोई हंगरी का स्कॉलरशिप है नीचे, उस क्योंकि उसी रेलिवेंट पोस्ट में कर रहे हैं। एक्चुअली हंगरी के जो स्कॉलरशिप्स हैं उसका अभी एग्ज़ाम लास्ट वीक हुआ था और उसका मेरिट जो है वो बन गया। और ये स्कॉलरशिप्स जो हैं 3 किस्म के हैं, जैसे अंडर ग्रेड स्कॉलरशिप्स हैं 4-year degree प्रोग्राम के लिए, और मास्टर्स के भी हैं और PhD के भी हैं, और इसका रिज़ल्ट हमने अनाउंस कर दिया है, और जो मेरिट है वो मोस्ट प्रॉबली दिस वीक अनाउंस हो जाएगा। और ये फॉल सितंबर जैसे 2017 में ये बच्चे प्रोसीड करेंगे, तो बाय एंड ऑफ दिस वीक स्टूडेंट्स को पता लग जाएगा कि कौन कौन से बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं,
और इसमें तीनों कैटेगरीज में, अंडर ग्रेड में भी, मास्टर्स में भी, पीएचडी में। फिर इसके बाद हमें क्वायरीज आनी शुरू होंगी। डेफिनेटली बहुत सारे लोग क्वायरी करते हैं कि जी मेरे तो इतने मार्क्स बनते हैं और इसको आपने स्कॉलरशिप दे दिया फलां फील्ड में और मुझे क्यों नहीं दिया। मेरे तो वो बच्चे अपने तरीके से, या जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने तरीके से कैलकुलेशंस करते हैं एकेडमिक एवेलुएशन फार्मूले को। और क्योंकि हमारे यहाँ दो तीन सिस्टम डिफरेंट चल रहे हैं, CGPA भी चलता है, परसेंटेज भी चल रही है, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन इस तरह भी है। कुछ जो है 5.0 CGPA से देते हैं मार्क्स, कुछ जो है 4.0 से देते हैं। लेकिन हमने एक स्टैंडर्डाइज मेथड बनाया हुआ है, उसके तहत कैलकुलेशन होती है। समटाइम स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी मैंने कैलकुलेट किया है, वो डिफरेंट तरीके से आ रहा है, आप डिफरेंट है। तो हमने एक ही फार्मूला लगाया हुआ है, जो भी आपके मार्क्स आए हुए हैं वो सबके लिए होगा, जो आपके कॉलीग्स जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो सेम फार्मूला है। इस तरह नहीं हो सकता कि जी हमने कोई पंजाब वालों के लिए डिफरेंट फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, मेडिसिन के लिए डिफरेंट फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। इट्स ए सेम फार्मूला। अगर 40 एप्लीकेशंस हमें इंजीनियरिंग में आई हैं तो उन 40 का जो मेरिट बना है वो वही फार्मूला लगा है उसी हिसाब से। तो आपने उन्हीं के साथ कम्पीट करना है और उसी में आपका मेरिट बनेगा। तो ये इस तरह की मुझे मैक्सिमम क्वायरीज आती हैं कि जी मेरा जो एग्रीगेट किया गया है वो सही नहीं किया गया। तो ये आप याद रखें कि फार्मूला सेम है फॉर एवरीवन जिन्होंने अप्लाई किया है। अच्छा सर, जानसेब साहब, आपसे एक क्वेश्चन, हिबा कोई मैम है, इन्होंने पूछा है कि क्या गैट सब्जेक्टिव अभी भी ज़रूरत है, मींस के फॉर अप्लाइंग एट। बेसिकली HEC का इस प्रोग्राम के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो HEC जो क्वालिटी कंट्रोल क्राइटेरिया की जो रिक्वायरमेंट है कि आपने के सब्जेक्ट टेस्ट दिया वो PhD एडमिशन के लिए और 18 क्रेडिट और आपकी कंप्लीट हो। तो अगर आपने कोई अपनी यूनिवर्सिटी की क्वालिटी एश्योरेंस के जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की हुई है डिग्री की, तो आप एलिजिबल हैं। उसमें बेसिकली आजकल जो हो रहा है, यूनिवर्सिटियाँ अपने खुद ही टेस्ट ले रही है, उनके प्रोसेस है, क्वालिटी एश्योरेंस डिवीजन उसको अप्रूव करता है, 3 प्रोफेसर्स को अप्रूव करता है, फिर उनको इजाज़त होती है वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी में टेस्ट कंडक्ट कराने की। तो अगर उनकी वही फुलफिल है, वो जो रिक्वायरमेंट फुलफिल है, तो हमें कोई ग्रेड सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर, कुछ आप हमें कुछ फिगर्स बता सकते हैं कि टोटल अभी तक इस प्रोग्राम के कितने बेनिफिशरीज हैं, कितने स्टूडेंट्स ने इसमें अभी तक जब से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, ताकि एक हम ऑडियंस को ये पता चले कि वो लोग कैसे अच्छे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने इसको ले चुके हैं तो वो भी इसके लिए अप्लाई करें, प्लीज़। मोर देन 3,500 एग्जैक्ट फिगर बता देता हूँ, 3,527 स्टूडेंट जो है ये प्रोग्राम अभी तक इस पर स्कॉलरशिप ले चुके हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट बायोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंसेज की तरफ है और उसमें है कोई 1,237 स्टूडेंट है जो वहाँ पे स्कॉलरशिप ले चुके हैं। और जब उसके बाद एग्रीकल्चर साइंसेज में 691 है, फिजिकल साइंसेज में 929 है, सोशल साइंसेज में 464 स्टूडेंट है जो अभी तक इसमें प्रोग्राम, क्योंकि शुरू में हमारा ये प्रोग्राम बहुत कम स्टूडेंट इसमें भेजते थे, हमारे PhD पाकिस्तान में बहुत कम इनरोल थे, लेकिन रिसेंटली हमारे पास एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई है और उसी के लिहाज से HEC ने पिछले साल के नस्बत इस साल बजट भी ऑलमोस्ट 40% बढ़ाया है। पिछले साल हमारा बजट था इसका 400 मिलियन, इस साल इसका बजट है 700 मिलियन, और इसको इंशाल्लाह अगर इस तरह की एप्लीकेशन हमें इंक्रीज आती रहेगी तो इस बजट को, क्योंकि HEC इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, चेयरमैन साहब पर्सनली इस प्रोग्राम को में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, HEC की सारी टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि इससे हमारी HEC की क्वालिटी इंप्रूव होती है, इससे हमारी लोकल जो रिसर्च होती है, इन स्टूडेंट को बाहर एक्सपोजर का मौका मिलता है। तो इनशाला इस प्रोग्राम को और भी इनमें से तो स्टूडेंट में इंकरेज करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे फिगर्स को ना देखे, हमारे बजट को ना देखे, वो अप्लाई ज़रूर करें। अभी तक जिन स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ है, जो एलिजिबल है, अभी तक कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जो इस प्रोग्राम में गया ना। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बड़ी कमिटमेंट है कि जो बजट हमें मिलता है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही देती है, और ये ऑल दो रेकरिंग का बजट है, और ये 700 मिलियन जो कि मैं अगर इसको अपने पाकिस्तानी रुपए में बताऊं तो ये कोई तकरीबन 70 करोड़ रुपया है एक साल के लिए। और ये बड़ी कमिटमेंट है HEC की भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि वो इस चीज़ को समझते हैं
वरना इतनी बड़ी रकम जो है वो एक एंड में देखा जाए तो यही है कि एक स्टूडेंट है पीएचडी का जिसको बाहर भेजा जा रहा है और उसको 6 महीने का एक्सपोजर मिलेगा। और ये फिगर जो है जैसे कि जहांजेब ने भी बताया कि 400 मिलियन थी लास्ट ईयर, तो इस दफ़ा हमने इसको बढ़ा के 70 करोड़ पे ले गए हैं और इंशाल्लाह अगले साल इसको हम और बढ़ाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन जो हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो गई हैं और स्टूडेंट्स जो एनरोल हो रहे हैं, एक तो लोगों को अवेयरनेस हुई है और जब एक बच्चा वहाँ से बाहर से पढ़ के जब आता है या ये अपना टाइम गुजार के आता है तो वो अपने जूनियर्स को या कॉलीग्स को बताता है कि मेरा ये बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा और इससे फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं तो एक पैसा भी मैंने नहीं दिया, सारे पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं। तो इसमें मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उनकी कमिटमेंट है कि वो हमें फंडिंग देते हैं और ये आगे जो है ना हम इन प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करते हैं और ये एक किस्म की इन्वेस्टमेंट है हमारी यूथ के लिए। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि जहाँजेब ने कहा कि चांसेस बहुत कम है, अगर आपकी एप्लीकेशन प्रॉपरली सबमिट हुई हुई है और सारी चीज़ें कवर्ड हैं तो कोई वजह नहीं है कि आपको ये फंडिंग जो है ना मिले। और लास्ट ईयर मेरे ख्याल अभी जो हमारा केस था मेरे ख्याल 105 केसेस थे और 102 को हमने रिकमेंड किया इस फंडिंग के लिए, सिर्फ 3 जो थे वो डेफर्ड किए गए और जाके उनको बताया गया कि ये डेफिशिएंसी पूरी कर लें तो आपको भी रिकमेंड कर दिया जाएगा। सर, क्या इस प्रोग्राम में स्पेसिफिक 6 मंथ हैं या कोई एक्सटेंशन आप लोग इसमें स्टूडेंट्स को देते हैं? अगर देते हैं, क्या विद फंडिंग होती है या विदाउट फंडिंग होती है? इसको काइंडली प्लीज़। फंडिंग के हवाले है क्योंकि हमारे पास और जितने भी रिसर्च के लिए पैसे आप इसी उसी प्रोग्राम के लिए हमें देते, फिर भी कम है क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारे पास डिफरेंट इसके आते रहे हैं कि इस प्रोग्राम को साल का कर दे। अक्सर स्टूडेंट जो फीडबैक हमें देते हैं वो साल का करना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट की ऐसे भी फीडबैक है कि 2 दफ़ा भिजवा दें, स्टूडेंट को 2 दफ़ा भिजवा दें क्योंकि हम अपने भी HEC ने भी अपनी फंडिंग का स्टैंडर्ड देखनी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को हम एक्सपोजर देना चाहते हैं इसी प्रोग्राम के हवाले से। तो 6 महीने तक ये जो प्रोग्राम है इसको तो हम HEC फंड करता है, लेकिन बाहर हम इसको एक्सटेंशन इसके लिए हर स्टूडेंट को हम बल्कि इंकरेज करते हैं कि आप वहाँ से एक्सटेंशन ले लें। एक्सटेंशन के लिए सिंपल तरीक़ाकार यही है कि वहाँ से प्रोफेसर जो होंगे बाहर वो आपको फंड करेंगे, HEC एक्सटेंशन लेटर देगा। अगर इंडिजिनस के स्कॉलरशिप पे है तो इंडिजिनस का NOC भी चाहिए होगा और लोकल सुपरवाइजर की कंसर्न चाहिए होगी, लोकल यूनिवर्सिटी की कंसर्न चाहिए होगी, जो पाकिस्तान में आपकी लोकल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की है उसकी कंसर्न चाहिए होगी। तो हमें कोई एतराज़ नहीं है स्टूडेंट को एक्सटेंशन देने तक, प्रोवाइडेड लोकल यूनिवर्सिटी उसे एग्री करती अच्छा सर, है। मतलब HEC एक पॉजिटिव सोच रखता है और पॉजिटिव अप्रोच है हमारी कि अगर एक स्टूडेंट को 6 महीने में वो अपना रिसर्च का काम नहीं कर सका है, उसको 2 महीने 3 महीने और चाहिए जैसे जहाँजेब ने कहा, तो अगर क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि उसको कोई फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाए और जो वो रिसर्च पे जो उसने वक्त लगाना है वो कहीं और किस्म की छोटी मोटी जॉब्स करके अपने 3 महीने पूरे करें। हम चाहेंगे कि इसके हमारे पास एक लेटर आए कि इसको वहाँ से फंडिंग 3 महीने की मिल गई है ताकि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो कि वो बाहर अपना टाइम जो है वो कोई और जॉब छोटी मोटी कर रहा है और फिर जो टाइम मिलता है तो लैब में काम करे। तो एक्सटेंशन जैसे जैसे कहा उसी सूरत में मिलेगी कि आपके पास इंटरनेशनल फंडिंग आ गई है या आपके सुपरवाइज़र आपको 2 से 3 महीने के लिए फर्दर सपोर्ट कर रहा है। तो हमारी बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है हायर एजुकेशन कमीशन की और हम बड़े जो है इस किस्म की पॉलिसीज़ नहीं बिलीव करते कि हम कोई उसमें रिलैक्सेशन ना दें या टाइम के साथ हम उसमें चेंजेस लाते हैं, उनको रिवाइज़ करते हैं। और जैसे कि जहाँजेब ने कहा कि जब फर्स्ट टाइम हमने अनाउंस किया तो हमें मुश्किल से 3-4 कैंडिडेट मिले और अब आप देखें कि विद इन 10 ईयर स्पैन में हम इस टाइम 700 और होपफुली नेक्स्ट ईयर पॉसिबिलिटी है कि हम 1000 का फिगर एक माइलस्टोन अचीव कर लें कि हर साल 1000 स्टूडेंट्स को बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में भेजें और उनको ताकि ये एक्सपोजर मिले। अच्छा, व्यूअर्स ने डिफरेंट क्वेश्चंस किए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोग्राम स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा कि हम टू द पॉइंट उनके आंसर भी दिलवा सकते हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन मैं एक और चीज़ ऐड प्लीज़ करूंगा, सॉरी बार बार आपको प्लीज़ मैं प्लीज़ काटता हूँ, कि क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के होते हैं, मैं उनको एक होप ये भी देना चाह रहा हूँ कि ये सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स हैं और हम चाहेंगे कि
एक प्रोग्राम को लेके चलें, ताकि बाद में जब कोई इसको रिव्यू करे, रिकॉर्डिंग को देखे हमारी, तो उसको सारे सवाल उस प्रोग्राम के बारे में मिल जाएं और हमें फिर मैक्स मिनिमम जो है ना क्वारीज आएंगी। नेक्स्ट टाइम हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो हम लॉन्च करने लगे, जो इसी किस्म का प्रोग्राम है, वो भी मेरा प्लान यही है कि नेक्स्ट टाइम हम फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर जो है ना पूरा एक 1 आवर का प्रोग्राम करेंगे। तो बी पेशेंट, हफ्ता 2 हफ्ते इंतज़ार कर लें और नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह FDP को भी हम लेके आएंगे और हम देखेंगे कि जब हमारी डिमांड लोगों की आएगी कि इन एरियाज़ में भी आप जो है ना जितनी जल्दी हो सके प्रोग्राम्स करें ताकि स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो इससे ज़्यादा से ज़्यादा। सर बस वही लास्ट क्वेश्चन कि स्टूडेंट्स को आके कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है आपके पास, ताकि वो जो अपना काम करके आया तो HEC के पास उसको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कराना होता है या क्या? जी, हमारा एक परफार्मा है HEC के वेबसाइट पे हमने रखा हुआ है। उस परफार्मे में बेसिकली हम जज करना चाहते हैं कि बाहर आप 6 महीने के लिए गए, ज़ाहिर बात है 6 महीने का फ़ायदा तो आपके रिसर्च पर होगा ही, लेकिन क्या इमीजिएट क्या फ़ायदा हुआ है। इमीजिएट फ़ायदे में फिर हम एक परफार्मे में सारे सवाल हमने किए होते हैं, फॉरन सुपरवाइज़र उनके भी हमें कमेंट्स चाहिए होते हैं उस परफार्मे में, और लोकल सुपरवाइज़र जिसने ज्वाइन किया या आपने यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया हुआ है और आपकी यूनिवर्सिटी की ज्वाइनिंग रिपोर्ट चाहिए होती है, तो इससे हम यह क्या करते हैं कि इस प्रोग्राम को हमें एवेलुएशन करने का भी मौका मिलता है कि क्या स्टूडेंट जो बाहर जाते हैं उसी तरीके से उसका फ़ायदा भी उनको हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी रिसेंटली मैं थोड़ा सा बता रहा, मैं UK गया था तो कोई 4-5 स्टूडेंट्स ने मुझे इन्वाइट किया, इंपीरियल कॉलेज और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, और मुझे वाकई बड़ी खुशी हुई उन स्टूडेंट्स से मिल के, उनको जो वहाँ लर्निंग हो रही थी वहाँ पर उनको सुपरवाइज़र से मिला, और मुझे वाकई बड़ा इन्जॉय किया मैंने और इस प्रोग्राम से, और भी हमारी HEC की हिम्मत भी बढ़ी है। मैंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब को भी बताया कि स्टूडेंट्स से हमारी जो इंटरेक्शन हुई है, जो उन्होंने लर्न किया था वहाँ पर, उन्होंने वहाँ पर पार्लियामेंट में तकरीर की थी स्टूडेंट ने कुछ हमारे, तो बहुत ही इसका मतलब जो सीख रहे हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स, शायद वो अल्फाज में बयान करना मुश्किल है, इसीलिए HEC इस प्रोग्राम पे इतना इन्वेस्ट भी कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बजट इनका हर साल इसलिए बढ़ा रहा है कि यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है HEC का, और हम सब स्टूडेंट्स से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि PhD में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जल्द से जल्द, मतलब जैसी उनकी एलिजिबिलिटी पूरी हो, वेट ना करें। कल मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी, शी वॉज वेरी ब्राइट स्टूडेंट, लेकिन उसको 3.5 साल हो गए थे, अब उसको पता ही नहीं था। इसी ऐसे प्रोग्रामों से हमारा ये मकसद यही है कि हम आपको ये बताना शुरू कर दें कि आप जल्द से जल्द अप्लाई करें एज सून एज पॉसिबल जब आपकी एलिजिबिलिटी शुरू होती है, और वो मैंने शुरू शुरू में बता दी कि 2 साल से टाइम आपके PhD जैसे ही कंप्लीट हो आप तब अप्लाई करें। सो व्यूअर्स, आई होप कि आज के इस प्रोग्राम में जो भी बातें डिस्कस हुई वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी टू अवेल HEC का इंटरनेशनल रिसर्च सपोर्ट इनिशिएटिव प्रोग्राम। हम वसीम आशमी साहब का थैंक यू बोलेंगे, जानदेव साहब आपका थैंक यू कि आपने प्रोग्राम निकाला, व्यूअर्स आपका भी थैंक यू क्योंकि आपने अपने क्वेश्चन रेज़ किए ताकि आपके हम उस चीज़ों को एड्रेस कर सकें। हम रिफा यूनिवर्सिटी का भी थैंक यू बोलते हैं कि जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम में तरतीब देने में कोऑर्डिनेशन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम, जैसे वसीम आशमी साहब ने बता दिया कि हम फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐसे ही सर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर अरेंज करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।